देखो यहाँ के लड़के बाइक चलाते हैं, आगे का पहिया उठा लेते हैं, घुस गए उससे पर फर्क ही नहीं पड़ता, और आगे बड़ा आग से मेरी गाड़ी में लड़े। सॉरी अंकल जी। फिर यूपी का लड़का, यूपी पहले यूपी में 50,000 लड़कों को दिलवा गुटखा दे दो, लाहौर का कब्जा कर लेंगे। और हमसे बड़े जाहिल घर बैठे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबे लुंगी तुम्हारी फटी है, नीचे अंडरवियर पहने नहीं हो और भारत पे कब्जा करोगे तुम। जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक क्या है? यहां की सेना आदिकाल से, यहां का जवान एक ही चीज का जानता है, मरना और मारना। IPKF UN है, पूरी दुनिया में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यूज करती है। देखो यहाँ के लड़के बाइक चलाते हैं, आगे का पहिया उठा लेते हैं, घुस गए उससे पर फर्क ही नहीं पड़ता। कल दो लोग यही क्रॉसिंग पे ऑन स्कूटर, वो बैरिकेडिंग गिर गई है, ऑन स्कूटर झुका के निकाल ले, ऑन एक्सीलेटर पकड़े, और वो निकले तब तक एक्सीलेटर दब गया, और आके बड़ा आग से मेरी गाड़ी में लड़े। सॉरी अंकल जी। हमने कहा भाई हमको इस बात का डर नहीं कि हमारी गाड़ी में कुछ खराब हुआ। अगर तुम सोचो इधर से उधर जा रहे होते, इधर से ट्रेन आ रही है और घुस जाते, तो तुमको सॉरी कहने का मौका नहीं मिलता। बस तुम इतना सोच लो कि डायरेक्शन अगर तुम्हारी रिवर्स होती और जितनी स्पीड से तुम आके हमसे लड़े हो, उतनी स्पीड से अगर उस शताब्दी में घुसे होते, तो अब तक लोग इकट्ठा कर रहे होते कि उंगली उधर पड़ी भैया। भाई साहब हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम मार देंगे और रेडिएशन कहाँ जाएगी? अमेरिका? मैं लाहौर से अमृतसर की दूरी 400 किलोमीटर है, लाहौर पे मार दोगे न्यूक्लियर बम, रेडिएशन यहां तक आएगी कानपुर तक। तो कोई ऐसे टहलेगा किसी का एक आंख फ्यूज हो जाएगा। कहां बनाओगे यार न्यूक्लियर बम, कहां मारोगे लाहौर पे? ओ हमसे बड़े जाहिल उधर बैठे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबे लुंगी तुम्हारी फटी है, नीचे अंडरवियर पहने नहीं हो और भारत पे कब्जा करोगे तुम। वो अजीब पागल है, अजीब ये कर देंगे वो कर, कुछ ना कर पाओगे। सिर्फ यूपी का लड़का, यूपी में पहले यूपी में 50,000 लड़कों को दिलवा गुटखा दे दो, लाहौर तक कब्जा कर लेंगे। उन्हें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, कहते भैया 10 पुड़िया दिलवा दिला दो, बाकी हम बना लेंगे रास्ते में। इतनी पॉपुलेशन 25 करोड़, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी यूपी की है, और खाली बैठे MBA करके बैठे, इंजीनियरिंग करके बैठे, और क्या किए हैं ये पता ही नहीं। ऐसे उनसे पूछो MBA में किससे की हो, फाइनेंस से, क्या होता है, अब ये सब नहीं पता है। तो ये सब कहां काम आएंगे? ये सब ऐसे ही काम आएंगे, कहेंगे हीरो होंडा स्प्लेंडर दिला दो, हम 5 लोग बैठ लेंगे टंकी पे एक और बाकी 4 गद्दी पे, ज्यादा बॉडी है ही नहीं, मेहनत करनी नहीं, खाया मैगी जनरेशन है, कहते मैगी खा लो, कोको कोला पी लो और थम्स अप, टेस्ट द थंडर, 4 साल पी लोगे 5वें साल डायबिटीज हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में थंडर ही थंडर हो जाएगा, खत्म, तुम्हारी कहानी वैसे ही खत्म। तुम्हारी जनरेशन ऐसी है ना, वो ऐसे गानों की जनरेशन है जिस गाने का मतलब ही नहीं है। गाना ना अंटा माहुआ माहुआ अंटा माहुआ, अभी हम पिछले 2 दिन से सोच रहे हैं कि कहना क्या चाहती है, मतलब
जैसे पहले गाने थे तो हर चीज का चलो कुछ भी बोल रहा है, जैसे गाने के उई 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 करके है, तो मतलब एक भाव प्रकट कर रही है। ये अंडा माँ उसे क्या निकल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आज समझ लो एक घंटे इस गाने को सुने, मतलब मेरी 3 घंटे की वॉक होती है, 1 घंटा वाला आ गया अंडा माओ, हमको अच्छा लग रहा था और स्पीड बढ़ रही थी, बाकी कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वही उतना समझ में था ऊ अंटा माओ माओ। तो हमें कहा यार ये जो है ये बहुत सही गाना है दोस्त, मतलब कुछ भाव पैदा होना चाहिए ना हर संगीत पे, एक भाव पैदा होता है, या हो सकता है तमिल भाषा में है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ तो होगा जरूर। राजपाट का काम टेंशन का काम है, चैलेंज चुनौतियों का, बीच में तुमने बुला लिया किसी को कि भाई जरा दिखाओ जरा वो कैसे नाचते हो तुम ऐसे ऐसे कर, संगीत नृत्य माहौल को बड़ा शांत कर देते हैं, इसलिए जीवन में एक कला जरूर आनी चाहिए। ऐसे तुम लोग गिटार बजाना सीख लो, बहुत काम आती है, मान लो गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम सीखे थे, ट्रेन में घूमेंगे, तुमको रखे रहम तुमको अल्लाह रखे, कुछ तो करना है ना, तुम इसीलिए डरे हुए हो कि अगर आईएस में नहीं होगा गिटार बजाएंगे, अब ढोलक लेके तो तुम घूम नहीं सकते, तबला कुछ ऐसा सीखो जो तुम घूम सको। जय हिंद।